न्यू रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें अनीताज किचन चैनल को और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं मेरी रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल अनीताज किचन। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ चाउमीन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड इजी रेसिपी है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। चाउमीन बनाने के लिए हमें चाहिए एक पैकेट चाउमीन, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, दो बड़े चम्मच सोया सॉस, डेढ़ बड़े चम्मच विनेगर, पत्ता गोभी, लंबी पतली कटी हुई शिमला मिर्च, लंबी पतली कटी हुई गाजर, एक प्याज स्लाइस किया हुआ और तेल। चाउमीन बनाने के लिए हम सबसे पहले पतीले में पानी डालेंगे। अब हम इसके अंदर एक चम्मच नमक डालेंगे और इसके साथ ही एक बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे ताकि जो चाउमीन है वो चिपके ना। अब पानी को उबलने देंगे। जब पानी इस तरीके से उबलने लग जाए तब हम इसके अंदर एक पैकेट चाउमीन डाल देंगे। अब चाउमीन को मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए पका लीजिए। अब हम इसे चेक करेंगे। हमें यहाँ पर चाउमीन को ज़्यादा नहीं गलाना है, बस इसमें थोड़ी सी बाइट होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये यहाँ पर पक चुकी है, हमने इसे ज़्यादा नहीं गलाया है। अब इसका पानी निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने चाउमीन का पानी निकाल लिया है। अब हम इसके ऊपर खूब सारा ठंडा पानी डाल देंगे ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए और चाउमीन चिपके ना। अब हम इसे अलग रख देंगे और एक कढ़ाई में 2 से 3 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। अब हम इस तेल को गर्म होने देंगे। जब तेल गर्म हो जाए तब हम इसके अंदर 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और इसके साथ ही 1 स्लाइस किया हुआ प्याज भी डाल देंगे। प्याज के साथ ही हम इसमें पतली लंबी कटी हुई शिमला मिर्च और पतली लंबी कटी हुई गाजर भी डाल देंगे। अब हम इसमें पत्ता गोभी डाल देंगे। ये सारी वेजिटेबल्स डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखें, यहाँ पर गैस की फ्लेम मीडियम होनी चाहिए। अब हम इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे ताकि ये सब्जियों का जो कुकिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए। हमें यहाँ पर सब्जियों को ज़्यादा नहीं गलाना है तो इसलिए मीडियम फ्लेम पर इसे थोड़ा सा सॉटे कर लीजिए। हमें इन सब्जियों का क्रंचीनेस चाहिए इसलिए हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। ये लीजिए, यहाँ पर सब्जियाँ सारी सॉटे हो चुकी हैं, बहुत ही क्रंची है अभी भी, हमने इसे ज़्यादा नहीं पकाया है। अब हम इसके अंदर आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसके साथ ही 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। आप यहाँ पर तीखा अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। जब मसाला यहाँ पर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तब हम इसके अंदर उबली हुई चाउमीन डाल देंगे। अब हम इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस डाल देंगे और इसके साथ ही 1.5 बड़े चम्मच विनेगर डाल देंगे। अब हम 2 कांटों की मदद से इसे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। हम यहाँ पर कांटों का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि जो चाउमीन है वो टूटे ना। हम यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस और डालेंगे क्योंकि यहाँ पर सोया सॉस कम लग रही है। तो यहाँ पर मैंने टोटल 2 बड़े चम्मच सोया सॉस का इस्तेमाल किया है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए, हमारी चाउमीन बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। तो लीजिए, मैंने इसे सर्व कर दिया है। बहुत ही टेस्टी चाउमीन बनी है।
इसी तरीके से अगर आप चाउमीन बनाएंगे तो आई एम डैम श्योर कि आप बाहर की चाउमीन लाना बिल्कुल भूल जाएंगे। तो चलिए आप इसे ट्राई करें और अपने कमेंट्स हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।